सिंगरौली जिले के चितरंगी के बगदरा कलाल जंगल में भीषण आग लगी। 15 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। सैकड़ों एकड़ में आग फैलने की आशंका है, साथ ही आग की चपेट में कई जानवर जीव जंतुओं के भारी तादाद में जलने की भी आशंका है। एक फायर ब्रिगेड मौके पर रात में पहुंचा था, लेकिन सड़क के अभाव में अंदर नहीं पहुंच सका। किनारे किनारे ही आग बुझाई गई। आग लगातार फैलते जा रही है। मौके पर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह चितरंगी, एसडीएम नीलेश शर्मा, फॉरेस्ट अमला मौजूद है। आधा दर्जन बस्तियों तक आग फैलने की आशंका है। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर चितरंगी रेंज के ग्राम बगदरा कला के जंगल में कल से भीषण आग लगी हुई है। जो बस्तियां हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, वहां भी आपके द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया? क्योंकि आग की धुआं जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आग की व्याप्ति बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में कुछ खौफ है। ये जो आसपास की बस्तियां हैं, उनको हमने उनकी जानकारी हमने ली थी कि अभी कोई किसी भी स्तर पर उनको कोई ऐसी उससे परिस्थिति निर्मित नहीं हो रही, तो अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हम उस पर उसको जो है आग जो लगी हुई है, क्योंकि वर्तमान में हवा की रफ्तार भी तेज है, लेकिन उसको नियंत्रण करने के जो प्रयास हमें करने चाहिए वो हम लगातार कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से अभी जो आसपास का रहवासी एरिया है वहाँ तक उसको नहीं पहुँचने दिया जाएगा, उसको स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा। सर, क्या माना जाए बहुत बड़ा नुकसान है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? ऐसी जो गर्मी का सीजन होता है उसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं जिसमें किसी कारण जो आग है वो लगती है, और उस पर कोशिश की जाती है कि उसको समय रहते उस पर नियंत्रण कर लिया जाए, जिससे कि जो वन्य प्राणियों को और जो ऐसा कोई जो हमारे धरोहर है, जो वनों की धरोहर है, उसको हम किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचने दें। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।